Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani hamare saath hai. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. Ek baat bahut zyada clear hui last episode mein. It's about ki jo fear tha mere andar mandir jana, nahi jana. Maine ye socha ki mandir jao lekin yaad wo karo. Yes. Ki mujhe aisa वापस बनना है जो मैं पहले था जैसे मैं एक्टर बनने से पहले दूसरे एक्टरों की फोटो तो अपने पर्स पे रखता था कि मुझे ऐसा बनना है right. मुझे ऐसा बनना है लेकिन मैंने उनकी सिर्फ फोटो नहीं रखी मैंने उन लोगों ने जो काम किया उसमें जिम में जाके मेहनत की फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया स्टेज में गया रेडियो प्रोग्राम किए टीवी प्रोग्राम किए इतना सब करके प्रैक्टिस करके तैयार हुआ आपकी बात इतनी क्लियर हुई कि किसी के संग में रहना हाँ भी चलो मतलब जो क्लास में फर्स्ट साथ आता रहे उसके साथ में सिर्फ घूमता रहूं तो मैं भी फर्स्ट आ जाऊंगा क्या मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ना वैसे मुझे अब समझ में आया है कि सिर्फ संग नहीं स्पिरिचुअलिटी भी एक कोर्स है एक मतलब एक क्लास जैसा है हम किसी की वर्शिप कर रहे हैं हम किसी की पूजा कर रहे हैं मतलब हम उनके गुणों को देख रहे हैं उनकी क्वालिटीज को देख रहे हैं लेकिन अब उनकी क्वालिटीज की महिमा नहीं करनी सिर्फ उनकी क्वालिटीज को इम्बाइब करना है वर्शिप वर्दी बनना है खुद दैट इज द डिफरेंस अभी तक हम गए पूजा की विधि की वैसा बनने का लक्ष्य नहीं रखा उल्टा अपने आप को उनसे बहुत बहुत ही दूर पाया और जितना अपने आप को उनसे दूर समझा उतना और दूर होते गए द्वापर युग में भी हमने यही कहा होगा कि ये बहुत दिव्य आत्माएं हैं हम इनसे नीचे हैं फिर ये करते करते हम और नीचे 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 होते आए पूजा मीन्स अब हमें उन जैसा बनना है तो चाहे हम महात्माओं से मिल रहे हैं संत आत्माओं से मिल रहे हैं देवी देवताओं की महिमा कर रहे हैं अंदर लक्ष्य सिर्फ एक इनके अंदर क्या है मुझे इन जैसा बनना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट परमात्मा ने बताया तुम ही ये थे एक होता है कि कोई बहुत महान है और हम लगे कि हम नहीं हैं और हम सोचे हमें इन जैसा बनना है एम रख सकते हैं लेकिन कभी कभी लगेगा कि वो एम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आपकी ड्रेस वाइट है मेरी ड्रेस पे दाग है तो मैं सोचूं वाइट बहुत अच्छा है मुझे भी इसे वाइट करना है फिर मुझे लगे लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस पर तो बहुत दाग है लेकिन अगर मुझे स्मृति आए कि सिर्फ कुछ समय पहले ये भी पूरा वाइट ही था जैसे आपने कहा फर्स्ट आना है अगर क्लास में आज हम अगर फेल हो रहे हैं लेकिन अगर पेरेंट आके बताए लेकिन कुछ साल पहले आप फर्स्ट आते थे सी अगर मैं फेल हो रही हूँ आज और मुझे कोई कहे फर्स्ट आना है लाइक माय फर्स्ट थिंग विल बी कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल मेरी कैपेसिटी नहीं है फर्स्ट आने की फेल हो रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पास हो जाऊँगी लेकिन फर्स्ट आना है ये कैपेसिटी नहीं है मेरी लेकिन अगर पेरेंट टीचर ये याद दिलाए किसने कहा आपकी फ़र्स्ट आने की कैपेसिटी नहीं है चार साल पाँच साल पहले कौन फर्स्ट आता था क्लास के अंदर ये हनुमान जी को उनकी शक्ति दिखाई कि आप में ये थे आप में ये है आप में ये है तब वो जाके उनको वाक और कुछ लाना नहीं पड़ा सिर्फ ज्ञान हो गया कि आई एम दिस ये सभी कुछ जो द्वापर से हमें बताया गया उसके पीछे भाव था अब हमने जब सुनी बात तो हमने कहा हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे फिर हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई और हनुमान जी की वो शक्ति इमर्ज हो गई मीनिंग क्या था उसका इसका मतलब यही है ना सिस्टर कि वो हमको बोल रहे हैं कि आप अपनी शक्ति भूल गए हो कि आज हम कह रहे हैं हाँ। कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी शक्ति भूल गए हैं हाँ। लेकिन इतने सालों से तो हम क्या कह रहे थे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए हैं हाँ। तो वही कह दोनों बातों में तो बहुत फर्क है ना हाँ, तो ध्यान पहले वही चले जाता था ना हनुमान जी को जब अपनी शक्ति का स्मरण हुआ जस्ट वन कॉन्शियसनेस तो फिर वो उड़ भी सकते थे पहाड़ भी उठा सकते थे और बिना किसी चीज के सिर्फ ज्ञान हुआ हाँ, तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई
हम अपने जीवन की सभी जो बातें हैं, कोई विघ्न है, कोई प्रॉब्लम है, सारा पहाड़ उठा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी डाउट होता है अपने ऊपर कि हनुमान जी का तो ऐसे हो गया, लेकिन क्या मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आऊं और आके मैं वाकई इतना प्योर बन सकता हूँ देवी देवताओं के जैसा? अभी बात करते करते अभी भी वो डाउट, वो फियर जो इतना स्ट्रांग है, वो अभी भी आ रहा है मुझे। इसीलिए हम रोज स्टडी करते हैं। एक बच्चा है जिसको बहुत साल से पुरानी बात भूल चुकी है, राइट? अब उसको परमात्मा आके वो बात याद दिलाता है, लेकिन दो बार पांच बार सुनने से वो बात कोई इमर्ज नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो बात बहुत पुरानी है। लेकिन अब हमें अपने अंदर ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज आया ना, ये आया तो आगे भी आने वाला है। रास्ता सही है, रास्ता सही है, कनेक्शन सही जुटा है, यहाँ से यहाँ हो गए तो यहाँ से आगे भी जाएंगे। डाउट इसलिए आएगा क्योंकि वो चीज़ हमने बहुत समय से अनुभव नहीं की है। आज भी कभी कभी कुछ क्षणों के लिए हम अपनी वो डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर सकते थे, बिना ज्ञान के भी, बिना मेडिटेशन के भी। बीच में जीवन में चलते चलते एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, और इसीलिए जब हमें कभी अपनी वो डिविनिटी एक्सपीरियंस हुई तो कहीं ये बात भी आई कलयुग के अंदर कि परमात्मा हरेक के अंदर है। क्योंकि अपनी डिविनिटी एक्सपीरियंस की लेकिन सोचा था हम तो डिवाइन नहीं हैं, तो वो जो डिविनिटी एक्सपीरियंस की वो किसकी डिविनिटी होगी? तो तब ये कहीं जाकर ये बिलीफ सिस्टम भी हो गया कि परमात्मा हरेक के अंदर है। आज पूछो अपने आप से, अगर परमात्मा हरेक के अंदर हो तो सृष्टि कैसी होगी? आज कैसे फिर हमारे अंदर इतने विकार आ गए अगर परमात्मा हमारे अंदर बैठा है? डॉर्मेंट हो सकता है ना, जैसे कि आप सोल हैं और आपके अंदर सारी सोल की क्वालिटीज़ हैं, लव, पीस, विजडम, नॉलेज, पावर, सब कुछ है, लेकिन वो यू आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, अक्वायर्ड संस्कार आ गए हैं। हाँ, इसीलिए ओरिजिनल क्वालिटी नहीं एक्सपीरियंस। अगर परमात्मा है और आप जानते ही नहीं है, आत्मा और परमात्मा के बीच कुछ अंतर होगा? बहुत अंतर है। आत्मा के ऊपर अक्वायर्ड संस्कार आएंगे, परमात्मा पे तो नहीं आएंगे। परमात्मा पे तो नहीं आएंगे ना। आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी नहीं अक्वायर्ड अनुभव कर रही है, लेकिन परमात्मा अगर है तो परमात्मा को डोमिनेट कौन करेगा? अगर एक गुलाब का फूल है यहाँ, तो गुलाब का फूल है तो गुलाब की खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस है। अब अगर उसके सामने कुछ गलत फ्रेग्रेंस वाली चीज आ जाए तो हम कहेंगे गुलाब की खुशबू क्या हो जाएगी? उससे सप्रेस हो जाएगी। वो तब होगा जो चीज आएगी वो गुलाब की फ्रेग्रेंस से ऊंची, कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, है ना? क्योंकि अगर छोटी सी कोई चीज आ गई तो उसके सामने गुलाब की खुशबू नहीं दबेगी, तो रोज विल स्टिल स्मेल वेरी ब्यूटिफुली। अब कोई ऐसा गंध आना पड़ेगा जिससे गुलाब की खुशबू सप्रेस हो गई। अगर गुलाब की खुशबू सप्रेस हो गई तो दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन? वो गंध। गंध। अगर परमात्मा हमारे अंदर सप्रेस हो गया, और सप्रेस किसने किया? मैंने। मैंने किया, तो पावरफुल कौन? सोल, आइदर सोल। तो नॉट पॉसिबल। परमात्मा ने इसको भी बनाया, जैसे लोगों की थिंकिंग है, उसको भी बनाया, उसको भी बनाया, सब में है, मतलब सब में श्वास है, सब में जान है, सब उसी के बच्चे हैं, सब उसके जैसे ही हैं। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। इमेज, ठीक है। ये हम सुनते हैं, हाँ, इसका मीनिंग क्या है? परमात्मा कोई आत्मा को बनाते नहीं है, हम सुनते हैं वो क्रिएटर है। गॉड इज द क्रिएटर। परमात्मा ने कहा मैं तुम आत्माओं को क्रिएट नहीं करता, आत्मा को क्रिएट नहीं करता। अगर आत्मा क्रिएट हुई तो फिर आत्मा एक दिन वो भी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। एनर्जी डज नॉट गेट क्रिएटेड, डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इट इज इटर्नल। इसीलिए द वर्ड इज इटर्निटी, इटर्नल, अविनाशी। परमात्मा क्रिएट करते हैं का क्या मीनिंग है? कि जब हम आत्मा डिप्लीट हो जाती है उसको एनर्जाइज करके
उसको वापस रिचार्ज करते हैं, क्रिएट आउट ऑफ नथिंग नहीं करते हैं। इसीलिए परमात्मा को क्रिएटर कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली डजंट मीन के कुछ नहीं था और आत्मा बना दी। आत्मा इम्प्योर हो गई थी, उसको धो दिया, उसको चार्ज कर दिया। जैसे ये सृष्टि है, इस सृष्टि को सूर्य क्रिएट नहीं करता है। इस सृष्टि को सूर्य क्रिएट नहीं करता है, चार्ज कर देता है। लेकिन हर रोज सूर्य की शक्ति इस सृष्टि को, इस प्रकृति को क्या करती है, लाइफ एनर्जाइज करती है, एनर्जाइज करती है। बट दैट डज नॉट मीन कि इस प्लैनेट को सूर्य ने क्रिएट किया है, ये तो हमेशा था ही। इसीलिए कहते हैं आदि अविनाशी, हमेशा था वो, इटर्नल। आत्मा इटर्नल, परमात्मा इटर्नल, समय भी इटर्नल, प्रकृति इटर्नल। तो गॉड क्रिएट्स मैन इन हिज ओन इमेज, मतलब कि कलयुग में जब हम डिप्लीट हो जाते हैं तो परमात्मा हमें एनर्जाइज करता है, और वो जैसा हमें बनाता है फिर से, तो हम कैसे बन जाते हैं, उस जैसे बन जाते हैं। तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, वहीं से शुरू हो गया ना, ये भी उस जैसा है, ये भी उस जैसा है, वो भी उस जैसा है, हर एक उस जैसा है। तो वो इसमें है, वो इसमें भी है, ऐसे वो क्वालिटी की जगह वो इसमें भी है, वो इसमें भी है। ये ना बात करते 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 वर्ड्स घूम जाते हैं, लेकिन बात करते करते जो वर्ड्स घूम गए तो पूरा बिलीफ सिस्टम ही घूम गया ना। हाँ, तो क्या है, पांच तत्व सब सेम है, तो अगर पांच तत्व फूल के पत्ते के भी हैं और मेरे भी सेम है, सब में है वो पांचों तत्व, लेकिन फूल और मैं एक तो नहीं हो गए ना। फूल आपके अंदर नहीं, आप फूल के अंदर नहीं। हाँ, अलग अलग है ना, अलग अलग। वैसे लोग उसको सब में है, कण कण में भगवान कहते हैं आज, कण कण में भगवान है, परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा की वाइब्रेशन, परमात्मा की वाइब्रेशन, लेट्स से अगेन वी आर सिटिंग हियर, ये सूर्य की लाइट सर्वव्यापी है, इधर कण कण में है ना, लाइट आ रही है ना, लाइट आ रही है ना, सूर्य नहीं है हर एक के अंदर। हाँ, तो भगवान की शक्ति, उसकी लाइट हर जगह पहुंच रही है। सूर्य तो नहीं है हर जगह, सही है, राइट Agreed. तो मुझे क्लैरिटी होनी पड़ेगी कि ये मुझे अगर सूर्य की लाइट चाहिए तो मुझे खिड़की खोल के इस सूर्य की लाइट और पावर को क्या करना है, यूज करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, अब्सॉर्ब करना है। लेकिन अगर मैंने कहा सूर्य ही मेरे अंदर है तो फिर मुझे क्या करना है, फिर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा पवित्रता का सागर कण 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 में है, तो कण कण कितना पवित्र होना चाहिए। आज सूर्य की लाइट भी अगर हर चीज़ में है तो हर चीज़ फिर लाइट वाली दिखनी चाहिए ना, कुछ चीज़ें मुरझाई हुई। सोल डिप्लीट हो सकता है तो परमात्मा भी के ऊपर भी तो कवर आ सकता है। सोल इसलिए डिप्लीट होता है क्योंकि सोल जन्म मरण के चक्र में आता है, बॉडी लेता है, परमात्मा नहीं लेता। जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे तो फिर हम उस कर्म और फल के चक्र में नहीं आएंगे। आत्मा जब परम धाम में बैठी है, अभी भी देखो जैसे हमने देखा साइकिल है, तो कोई आत्मा सत्युग के शुरू में आ रही है, कोई आत्मा द्वापर युग के शुरू में आ रही है, कोई आत्मा तो कलयुग में आ रही है, कोई आत्मा तो कलयुग के भी अभी एंड में आ रही है। इसीलिए अभी भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन 1900s बिगिनिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज 100 crore, टुडे दिस पॉपुलेशन इज 700 crore प्लस। तो मतलब 600 crore आत्माएं कहाँ थी, 600 crore आत्माएं कहाँ थी, परम धाम में थी। जब ये तो जो कलयुग में आ रही थी, आती है आत्माएं, वो कोई 100% प्योर तो आती नहीं है, तो वहां से जब आ रही तो प्योर आनी चाहिए ना। हर आत्मा जब नीचे पहली बार आती है तो प्योर आती है। मैं सत्युग में आती हूँ। नहीं, कलयुग में भी। अच्छा, कलयुग में भी वो प्योर ही आएगी, तो जल्दी मैली हो जाती है। हाँ, परमात्मा ने कहा हर आत्मा सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इस चार स्टेजेस से गुजरेगी। सिर्फ फर्क ये होगा किसी आत्मा का वो 4 स्टेजेस
5,000 साल के अंदर होगा और किसी आत्मा का वो फोर स्टेजेस 1200 में होगा, किसी आत्मा का वो फोर स्टेजेस 100 साल में हो जाएगा। मतलब लेकिन जो फर्स्ट में आया था सतयुग में, वो तो लास्ट तक आएगा ना, वो तो लास्ट तक आएगा ना। एक बार आ गए प्लैनेट पे तो प्लैनेट पे हैं। एक बार हम सृष्टि पर आ गए, हम सृष्टि पर हैं जब तक ये साइकिल फिर रिपीट नहीं होना शुरू होता। अब अगर हम अभी हार्ड वर्क करें, मेहनत करें अपने ऊपर, तो क्या हम प्रमोट हो सकते हैं टू बी इन ऑल द युग्स फ्रॉम सतयुग? हाँ, वही तो हम कर रहे हैं ना अभी, इसीलिए तो हम स्टडी कर रहे हैं ना अभी। देखो, बैटरी है, हर बैटरी की कैपेसिटी, लेकिन उतनी कैपेसिटी में भी बैटरी फुल चार्ज होगी, कम होगी, डिस्चार्ज पे आएगी हर बैटरी। चाहे वो बैटरी की कैपेसिटी आधा घंटा है, चाहे वो कैपेसिटी 5 घंटे है, चाहे वो कैपेसिटी 10 घंटे है, अलग अलग बैटरीज की कैपेसिटी होती है। करेक्ट। लेकिन हर बैटरी फुल्ली चार्ज होती है, फुल्ली चार्ज होती है। लेकिन हम कहेंगे ये बैटरी 10 घंटा चलती है, ये बैटरी 5 चलती है, ये बैटरी 1 घंटा चलती है, लेकिन होगी तो फुल्ली चार्ज्ड। इसलिए आत्माएं जब सबसे पहले सृष्टि पे आएंगी, वो फुल्ली चार्ज्ड ही आएंगी। चाहे वो कलयुग के एंड में अभी आ रही हैं, तो भी वो फुल्ली चार्ज्ड हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी का डिक्लाइन बहुत बहुत फास्ट होगा। एंड जो शुरू से आएंगी, उनका प्योरिटी का डिक्लाइन बहुत ग्रेजुअल होगा। अब ये साइकिल को हम देख लेते हैं। सतयुग से शुरू हुआ, कलयुग पे आया, 1250 5000 साल का साइकिल। अब कलयुग के बाद क्या होगा? फिर से सतयुग आएगा, तो टाइम साइक्लिक हो गया। अब हर आत्मा के अंदर ये साइकिल की रिकॉर्डिंग हो गई है, ये रिकॉर्डिंग है। इसीलिए द्वापर युग में ही जब शास्त्र लिखे गए, वेद पुराण लिखे गए, उसमें कलयुग के एंड की निशानियां दी हुई है। अभी तो कलयुग आया नहीं, अभी तो द्वापर युग में है, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है, कोई उसको स्टडी करे तो उसको दिखेगा कि इनको कैसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। द्वापर युग में वो सब कुछ लिखा गया जो अभी इस सृष्टि पर हो रहा है, और उसमें क्लियरली लिखा गया जब ये चिन्ह आपको दिखाई देंगे तो समझ लेना कलयुग समाप्ति की ओर है। क्योंकि द्वापर जो सतयुग से पहले कलयुग से होके सतयुग में आके आया ना, अभी तो आया। उसने देखा कि कलयुग के बाद में सतयुग आया, द्वापर में उसको रिमेम्बरेंस, उसकी थोड़ी सी नॉलेज है, तो उसने वहां लिख दिया। जैसे उसने पैराडाइज के बारे में लिखा, परम धाम के बारे में लिखा, वैसे ही उन्होंने कलयुग के एंड के बारे में भी तो लिखा। तो किसी को थोड़ी रिमेम्बरेंस होगी ना। जो होने वाला होता है वो कैसे कुछ आत्माओं को पता चल जाता है? अभी प्रिनोमिशन यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डेड है। हाँ, सब कुछ, पूरा साइकिल रिकॉर्डेड है आपके अंदर आपके पूरे 5000 साल के सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग है। इट्स अ सीडी जिसमें पूरा साइकिल आपकी यात्रा का पूरा रिकॉर्डेड है। जैसे जैसे वो समय आता जाएगा, वो वाली फिल्म क्या होती जाएगी, जैसे आपकी रील होती है, वो सिनेमा में जो पहले होती थी, वो पूरी एक इतनी बड़ी होती है ना साइकिल। और जैसे ही स्टार्ट की, जैसे टेलीविजन के सीरियल्स होते हैं 36 हैं, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 प्ले होते जाएंगे सारे। तो आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है। आज भी कलयुग के एंड में भी आत्माओं को जो होने वाला है वो पहले पता चलता है। तो कई बार लोगों को लगता है हमने वो सोचा इसलिए वो हो गया, या वो होने वाला था इसलिए वो थॉट हमें आया, लेकिन जब वो हुआ ही नहीं है तो हमें कैसे पता चला कि वो होने वाला है? आज भी कुछ आत्माओं को क्लेवोयंस होता है, किसी को जीवन में कोई बड़ी घटना घटने वाली है, पहले ही दिखाई दे देता है। तो कहते पहले कैसे पता चला? जो चीज़ कभी हुई ना हो वो पता नहीं चल सकती, वो पता नहीं चलेगी, लेकिन हुई है, रिकॉर्डेड है आत्मा पर। वो आत्मा का फ्यूचर है, लेकिन वो आत्मा का पास्ट भी है, इसीलिए आत्मा को वो याद होती है।
नहीं तो याद नहीं रह सकता. इसीलिए वो पता चलता है कि ये साइकिल है. आज आत्माएं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो रिग्रेस करते हैं, लेकिन आज एक और टेक्निक भी है जिससे प्रोग्रेशन कराते हैं कि फ्यूचर में जाओ, देखो कि यहाँ से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे. इन आत्माओं को दिखाई देता है. सिर्फ क्या करना है, कॉन्शियस माइंड को साइलेंट करना है. सब कॉन्शियस माइंड से वो आ जाता है कि हम कहाँ थे. क्यों? क्योंकि आत्मा का पूरा पार्ट आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है. ये साइकिल है. अब जो 9 लाख आत्माएं सतयुग में आई और आज 700 करोड़ आत्माएं हैं, अब जिस समय से हम गुजरेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन का. ट्रांसफॉर्मेशन होगी. जैसे हमने उस दिन देखा, पुराना मकान भी साफ होगा और नया, नई सृष्टि, नया मकान भी खड़ा होगा. जब ये पुराना मकान साफ होगा, अब एक ऐसा समय आएगा जब हमें दिखेगा कि पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन घटनी शुरू होगी. क्योंकि कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते पॉपुलेशन 700-800 करोड़ है, लेकिन सतयुग की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 9 लाख है. कलयुग से सतयुग में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएंगे कि आज एक शरीर छोड़ा और सतयुग में शरीर लिया. नहीं, बीच में, कलयुग से सतयुग में जाने के बीच हम आत्माएं घर जाएंगी, परमधाम. परमधाम, इसीलिए हर आत्मा के अंदर परमधाम की स्मृति है. इसीलिए आत्मा कहती है मुक्ति चाहिए. मुक्ति चाहिए, हमें घर जाना है. क्योंकि हर आत्मा घर जाएगी. सिर्फ फर्क यह है कि कुछ आत्माएं थोड़ी देर के लिए घर जाएंगी, कुछ आत्माएं ज़्यादा समय के लिए घर जाएंगी, लेकिन हर आत्मा घर जाएगी. कोई ऐसा समय नहीं आएगा सृष्टि पर जब सृष्टि पूरी क्लीन ब्लैंक है, देर आर नो पीपल इन द वर्ल्ड. ऐसा नहीं होगा. एक तरफ से हम आत्माएं घर जाएंगी, एक तरफ से आत्माएं सृष्टि पर भी आएंगी. कलयुग और सतयुग साइमल्टेनियसली चल रहा होगा थोड़े पीरियड के लिए. सतयुग इज़ एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. कलयुग में रहते हुए पता भी नहीं चलेगा. कुछ देर के लिए हम सब घर जाएंगे और फिर जब नीचे आएंगे तो फिर आत्मा कैसी होगी? बिल्कुल प्योर, कंप्लीट डिवाइन. लेकिन वो डिविनिटी की तैयारी कब करनी है? अभी. ये आप बार बार कहते कंप्लीट प्योर 100% डिवाइन ऑल्सो, तो जो जो लास्ट डे ऑफ कलयुग आते हैं वो भी डिवाइन आते हैं क्या? लास्ट डे ऑफ कलयुग मतलब कलयुग के अंत में जो आती है आत्माएं, वो बैटरी फुली चार्ज्ड आती है. वो भी डिवाइन है क्या? उसका डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा क्योंकि वातावरण भी ऐसा होगा कि उसका भी उसके ऊपर बहुत प्रभाव होगा और वो आत्मा उस कैपेसिटी की नहीं होगी. हम लैपटॉप यूज करते हैं, फोन्स यूज करते हैं, सारी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड होती है. लेकिन कुछ जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, कुछ ज़्यादा समय यूज़ होके डिस्चार्ज. हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर से या वो डीलर से क्या पूछते हैं? बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, कितना टाइम चलेगी. लेकिन जब वो देगा वो बैटरी तो फुल्ली चार्ज्ड होगी. कोई कहेगा ये 4 घंटे वाली बैटरी है, कोई कहेगा ये बैटरी कौन सी है 10 घंटे वाली बैटरी है, लेकिन होगी तो फुल्ली चार्ज ना. होगी फुल्ली चार्ज्ड. तो हमारा साइकिल कैसे है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद परमधाम, घर, फिर घर के बाद सतयुग. जब हम लोग जब घर पे रहते हैं तब कोई ना कोई सृष्टि में रहता ही. सृष्टि पर हमेशा कोई ना कोई रहेगा. स्टेज इज नॉट गोइंग टू बी एम्प्टी. तो कलयुग के बाद के सतयुगी जब शुरू होगा तब 9 लाख से पहले कुछ होंगे ही लोग. कलयुग वाले होंगे ना. कलयुग की अभी भी सफाई चल रही होगी. जिन आत्माओं ने सतयुग लाना है वो आत्माएं पहले घर जाएंगी. वो नीचे आकर सतयुग शुरू करेंगी, यहाँ से कलयुग फिनिश होगा. तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से कुछ आत्माएं नीचे आ रहे हैं, तब तक बाकी ऑलरेडी एंड ऑफ एक्ट 4 एंड बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1. दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग टुगेदर. वो दोनों युगों के संगम पर हम अभी हैं, जिसको हम कहते हैं संगम युग. कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग वो है. संगम, ये दो युगों का संगम चल रहा है. ये जो सारा साइकिल है, इसी को ही जब हम पूजा करते हैं,
तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, घर के बाहर बनाया है, कार खरीदी कार पे ड्रॉ किया है, दुकान खरीदी वहाँ बाहर ड्रॉ किया, पूजा की दिवाली पे लक्ष्मी पूजा की स्वास्तिक ड्रॉ किया, स्वास्तिक पर हमने लिखा शुभ, तो स्वास्तिक क्या ड्रॉ किया, चार। सी हर एक अपने हाथ से स्वास्तिक ड्रॉ करे, जो पहला है हाथ, जो पहला हाथ है ऐसे, तो उसमें हमारा हाथ कैसे है स्वास्तिक में, ऐसे है फर्स्ट हाफ, ये हाथ मतलब क्या, आशीर्वाद ब्लेसिंग, ये सतयुग है हाथ ऐसे है। सेकंड युग में आते हैं तो हाथ कैसे हो जाता है, नीचे नीचे जाएगा ना, फर्स्ट हाथ ऐसे, सेकंड हाथ ऐसे, थर्ड हाफ में आते हैं हाथ कैसे हो जाता मांगने है वाला। ऐसे द्वापर युग में, फोर्थ हाफ में आते हैं तो हाथ ऐसे हो जाता है, ये है ना स्वास्तिक, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये आशीर्वाद देने वाला, ये न्यूट्रल, ये मांगने वाला, और कलयुग में आते आते लड़ाई ऐसे। ये स्वास्तिक जो हम ड्रॉ करते हैं, स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व, स्वास्तिक, तो स्व के अस्तित्व को याद रख कर जब कर्म करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कैसी थी, मैं कैसे सृष्टि चक्र में आई, जब ये स्व के अस्तित्व को याद करके कर्म करेंगे तो हर कर्म शुभ होगा। सिर्फ ड्रॉ करने से शुभ नहीं होगा, आत्मा को अपनी जर्नी याद रखने से, अपनी प्योरिटी याद रख के इमर्ज करके हर कर्म करने से हर कर्म शुभ होगा। उसके लिए सिंबल हमने क्या किया, सिर्फ सिंबल ड्रॉ किया। तो अब हर बार जब सिंबल ड्रॉ करेंगे अपनी जर्नी को याद रखना है, मैं आत्मा सतयुग में भी थी, फिर त्रेता में आई, फिर द्वापर में क्या बनी, अब कलयुग में क्या बनी, और अब मैं क्या बन रही हूँ, वापस सतयुगी आत्मा बन रही हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। व्हेन वी वर्शिप डेटीज वी प्रेज द डिविनिटी एंड द एलिवेटेड कर्मा। Remember the world cycle. We the souls were divine in Satyug and are depleted today in Kaliyug. We are going to emerge our divinity and create Satyug again. When we see the idols of deities, we should be inspired to become like them. If we focus on our negative sanskars, then being divine will appear impossible. We need to always remember we were divine. It is our original sanskar. We only need to re-emerge it now. Like a child who used to come first in class but has failed today, only needs to be reminded of his original capacity for him to be able to perform well again. When we say God resides in everyone, God is omnipresent, we need to pause and reflect. If God, the ocean of purity, was in everyone, then how would we all be? If the ocean of all virtues is inside us, then how can we experience vices and sorrow? If God is in everyone, then we all should be godlike. God, souls and time are eternal, never created or destroyed. We hear the phrase, God created us. It means when we get depleted by the end of Kaliyug, God energizes us and we become divine souls of Satyug. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660. Om Shanti.